आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बृहस्पतिवार 24 मार्च 2022 का सिवनी जिला स्तरीय मुगली ऑडियो बुलेटिन सुनिए। सिवनी शहर में बारापथा क्षेत्र में वाहन चालक शाम को उस वक्त चौंक गए जब बाहुबली चौराहे पर लगभग 7 सालों बाद यातायात सिग्नल आरंभ दिखाई दिए। सिवनी में वर्ष 2012 में लगभग 10 साल पहले लगभग 30 लाख रुपए की लागत के यातायात सिग्नल बाहुबली चौराहा, सर्किट हाउस चौराहा, कचहरी चौराहा एवं छिंदवाड़ा चौक पर संस्थापित किए गए थे। इसके बाद कुछ समय के लिए ही ये सिग्नल चालू रहे, फिर इन सिग्नल्स को बंद करवा दिया गया था। हाल ही में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी नवनीत पांडेय के द्वारा सिवनी में यातायात सिग्नलों की आवश्यकता होने से ही इनकार कर दिया गया था। माना जा रहा है कि कांग्रेस के दबाव में नगर पालिका परिषद के द्वारा बृहस्पतिवार की शाम को बाहुबली चौराहे के यातायात सिग्नल आरंभ कराए गए हैं। नगर पालिका नगरीय क्षेत्र के राशि लान में चल रहे जादूगर प्रिंस के शो के प्रचार प्रसार हेतु आयोजक अलीम खान एवं अक्षय बैरागी द्वारा जगह जगह होर्डिंग्स बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, जिसके चलते नगर की सुंदरता एवं स्वच्छता पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। आयोजकों का यह कृत्य स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत नगर की सुंदरता एवं स्वच्छता के प्रति न्यूसेंस फैलाने की श्रेणी में आता है। उक्ताशय की बात पालिका द्वारा जारी विज्ञप्ति में कही गई है। विज्ञप्ति के अनुसार प्रिंस जादूगर के शो का प्रचार प्रसार किए जाने हेतु नगरीय क्षेत्रांतर्गत अवैध रूप से बिना सक्षम स्वीकृति के लगाए गए होर्डिंग्स बैनर पोस्टर को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी नवनीत पांडे के द्वारा नोटिस जारी किया जाकर 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा गया है। उचित जवाब न मिलने पर आयोजकों के खिलाफ नियमानुसार जुर्माना अधिरोपित किया जाकर दंडित किए जाने की कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। कोविड की महामारी से निजात के बाद बहुत समय के बाद खेलों के शहर बरघाट में भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने अपने गृह नगर में खिलाड़ियों के उत्साह को देखते हुए युवा मोर्चा क्रिकेट गोल्ड कप का आयोजन किया है। 24 मार्च को इस प्रतियोगिता के संबंध में प्रेस वार्ता रखी गई। पत्रकार वार्ता में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने बताया कि बरघाट में यह पहला आयोजन है जिसमें प्रदेश ही नहीं देश के अनेकों प्रदेशों से यहां क्रिकेट टीम भाग ले रही है, जिसकी हर टीम में 2 खिलाड़ी रणजी खेले होना चाहिए। इस युवा मोर्चा गोल्ड कप प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 15,000 रूपए रखा गया है, साथ ही द्वितीय पुरस्कार 10,000 रूपए है। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बृहस्पतिवार 24 मार्च 2022 का सिवनी जिला स्तरीय मुगली ऑडियो बुलेटिन। प्राण का वियोग मृत्यु है, मृत्यु कपड़े बदलने जैसा है, भय भी मृत्यु है, निर्माण है तो अवसान है। उक्ताशय के उपदेश द्विपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य सरस्वती महाराज के कृपा पात्र शिष्य ब्रह्मचारी निर्विकल्प स्वरूप महाराज ने बृहस्पतिवार को भैरोगंज में सत्संग दौरान दिए। आपने कहा कि शरीर से प्राण का वियोग मृत्यु है। आत्मा जब वर्तमान शरीर का त्याग करके अन्य शरीर को प्राप्त करता है तब उसे मृत्यु शब्द से संबोधित करते हैं। वही ज्ञानी पुरुष के लिए मृत्यु पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करने के समान है। मृत्यु तो शाश्वत सत्य है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। संसार में ऐसा कोई नहीं जिसकी मृत्यु ना हुई हो, जब निर्माण है तो अवसान होगा ही। आम आदमी पार्टी सिवनी के जिलाध्यक्ष अधिवक्ता दुर्गेश विश्वकर्मा के द्वारा कुछ दिनों पहले अपना वीडियो जारी कर लोगों से अपील की थी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में आम आदमी पार्टी का साथ दे, अपने गांव, कस्बे व शहरों में हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी दें, जिसके लिए उन्होंने स्वयं का मोबाइल नंबर हेल्पलाइन के तौर पर जारी किया था। आपके जिला अध्यक्ष द्वारा पुलिस अधीक्षक सिवनी को पत्र जारी कर ग्राम छीतापार की पंचायत किस तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है इसकी जानकारी दी और कार्यवाही की मांग की। कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग ने गुरुवार 24 मार्च को केवलारी विकास खंड के क्षेत्रों का निरीक्षण कर विभिन्न संस्थाओं तथा विकास कार्या का अवलोकन कर संबंधित अधिकारियों को दिए गए। कलेक्टर डॉक्टर फटिंग ने पलारी आईटीआई का निरीक्षण कर संस्था में संचालित व्यावसायिक प्रशिक्षण कोर्स
उनमें दर्ज बच्चों के साथ ही कैंपस प्लेसमेंट की जानकारी लेकर प्राचार्य को बच्चों को अधिक से अधिक व्यवहारिक प्रशिक्षण देते हुए शत प्रतिशत बच्चों के प्लेसमेंट के प्रयास करने के निर्देश दिए। इसी तरह कलेक्टर डॉक्टर फटिंग ने ग्राम बिछुआ पहुंचकर वैक्सीनेशन केंद्र तथा कन्या आश्रम का निरीक्षण किया। उन्होंने 12 से 14 वर्ष के बच्चों के वैक्सीनेशन गतिविधियों का अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित कर्मचारियों को दिए। उन्होंने मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता का भी अवलोकन किया। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साइन न्यूज की समाचार श्रृंखला में बृहस्पतिवार 24 मार्च 2022 का सिवनी जिला स्तरीय मोगली ऑडियो बुलेटिन। कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग की अध्यक्षता में गुरुवार 24 मार्च को बैंकर समिति बैठक का आयोजन कलेक्टर सभा कक्ष में किया गया। उक्त बैठक में सीईओ जिला पंचायत पार्थ जायसवाल, महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र, उपसंचालक मत्स्य विभाग, उपसंचालक पशुपालन विभाग सहित अन्य स्वरोजगार मूलक विभागों के अधिकारी तथा विभिन्न बैंकों के बैंकर्स की उपस्थिति रही। महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र सिवनी द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि 28 मार्च को आयोजित होने वाले एक दिवसीय स्वरोजगार एवं रोजगार दिवस कार्यक्रम की तिथि में आंशिक संशोधन करते हुए अब इसे 31 मार्च को प्रातः 11 बजे स्मृति लॉन बारापथ सिवनी आयोजित किया जाएगा। जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि शासन के निर्देशानुसार रबी विपणन वर्ष 2022-2023 में समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय करने हेतु पूर्व की एसएमएस व्यवस्था को समाप्त करते हुए कृषक द्वारा उपज विक्रय करने के लिए उपार्जन केंद्र का चयन एवं उपज विक्रय की दिनांक स्वयं ई उपार्जन पोर्टल पर स्लॉट बुकिंग करने की नवीन व्यवस्था निम्नानुसार निर्धारित की गई है। मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग अध्यक्ष जितेंद्र लिटोरिया के कार्यालय से प्राप्त अधिकृत कार्यक्रमानुसार शुक्रवार 25 मार्च को प्रातः 10 बजे घनसौर पहुंचकर स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे तथा इसके उपरांत नरसिंहपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज की समाचार श्रृंखला में बृहस्पतिवार 24 मार्च 2022 का सिवनी जिला स्तरीय मोगली ऑडियो बुलेटिन। शुक्रवार 25 मार्च 2022 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। इसके साथ ही साइन न्यूज में ज्वलंत विषयों पर लिमटी की लालटेन रोजाना रात को प्राइम टाइम में 8 बजे देखना न भूलें। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।